ऊपर जय श्री राम, अल्लाह ऊपर जय श्री राम, अल्लाह ऊपर जय श्री राम को रोक लेगा? गर्व करते हो क्या बेशर्मो? सात लोगों की जान जा चुकी है, गर्व करके बता रहे हो क्या? जय श्री राम, अल्लाह अकबर ऐसा लगाया जाए। किसकी जिम्मेदारी है? मेरे बाप की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। बताओ, मेरा बाप मुख्यमंत्री है वहाँ का। आप दलाल मोनू मानेश्वर के दलाल हो। हिंदुओं को निशान नहीं बनाया जा रहा है, निशाना इस देश की इंसानियत को बनाया जा रहा है, अल्लाह को बनाया जा रहा है, महाकाल को बनाया जा रहा है। वो मोनू मानेश्वर हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी हो, ना राम को मिटा पाएंगे, ना नारे तकबीर को मिटा पाएंगे। ये दंगा जान बूझ के कराया गया है प्लान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ शारिफ खान। दोस्तों, आप जानते होंगे कि मेवात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम वाली घटना घटित हुई है, उस सब पर बातचीत करने के लिए पंडित विजयराज शर्मा हमारे साथ हैं। ये मेवात पहुंच चुके हैं और लगातार रो रो कर गुहार लगा रहे हैं कि मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ इस तरह का अन्याय मत करो। पहले तो आप खुद दंगा करते हो, उनको दबाने का काम करते हो और बाद में उन्हीं के ऊपर केस लगवाने का काम करते हो, ऐसा मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि मेरे मुस्लिम भाइयों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती मत करो, इनकी वीडियो देखना। साथ ही साथ कल मैंने आपको एक ये भी वीडियो दिखाई थी जिसमें मेवात के उस जिले के अंदर जहां पर ये हिंदू मुस्लिम की घटना हुई, वहां के लोकल हिंदू कह रहे हैं कि जब ये घटना घटित हो रही थी, हमारे सामने मोटरसाइकिलों को जलाया जा रहा था और एक उग्रता पूर्वक रूप लिया जा रहा था लोगों को डराने के और मारने के लिए, और हम हिंदू समाज के लोग होकर के लगातार उन लोगों से गुहार लगा रहे थे कि हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा सात पुश्ते यहाँ गुजर चुकी हैं, आज तक कभी हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं हुई, तुम लोग हमारे बीच में ये नफरत का बीज बोने जो आए हो, इसको मत बो, हमारे बच्चों को और हमें खुला घूमने दो। लेकिन ये गुहार लगाते रहे, वहां पर बजरंग दल, VHP यानी विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग इनको धमकाने का काम करते हैं। साथ ही साथ एक हमारे हिंदू भाई की वहां पर बाइक खड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, उसके सामने उसको जलाया जा रहा था और वो गुहार लगा रहा था ऐसा मत करो, लेकिन वो बजरंग दल के लोग बिल्कुल भी नहीं मानते और उसको डराने धमकाने का काम करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तू बोला तो तेरी भी यही ऐसी पिटाई होगी। अब आप ये मान के चलिए कि ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ये बजरंग दल RSS के लोग जो आप समझ रहे हैं ना 2024 से पहले किस लिए निकले हैं, ये वो वाली घटना है। लोकल हिंदू समाज का व्यक्ति, लोकल मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं लड़ रहा था, लेकिन जब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग बड़े पैमाने पर भीड़ का रूप लेकर आगे आए तो पता ही नहीं चला कि कौन हमारा हिंदू समाज का है और कौन हमारा बजरंग दल से संबंधित लोग है, आपस में भिड़ने का काम किया। और आप जानते हैं जब दंगा होता है तो वहां पर कुछ कम दिमाग लोग भी होते हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो को आप देखिए, पंडित विजयराज शर्मा की, ये रो रो कर कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए मेरे मुस्लिम भाइयों पे जुल्म और ज़ाती मत करो, इन्हें जाने दो। देखिए, वहां पे हिंदू पक्ष के भी दो चार पांच लोग मरे हैं, मुसलमान पक्ष के भी चार पांच लोग, सात लोगों की जान जा चुकी है। पंडित जी गर्व करते हो क्या बेशर्मो? सात लोगों की जान जा चुकी है, गर्व करके बता रहे हो क्या? बड़ा अच्छा काम हुआ है देश में, शर्म तो आ नहीं रही है। सात लोगों की जान चली गई, क्यों चली गई भाई? फ्री में आई थी जाने, जिंदा करो जाके उनको। किसकी जिम्मेदारी है? मेरे बाप की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। बताओ, मेरा बाप मुख्यमंत्री है वहाँ का। आप गए जाके लोगों से जो है वहाँ पे टाइम एक्सप्रेस क्या कर रहा है अपील करवाने के लिए? माइक लेके दंगा फैलवा रहा है क्या? अरे तुम्हारे मुंह में भी थूक दिया मुन्नू मानेश्वर ने, का यूट्यूबरों ने दंगा करवाया है? आप लोग दंगा करवाने के लिए आते हो? आप मोनू मानेश्वर के प्रवक्ता हो? मैं मोनू मानेश्वर का प्रवक्ता नहीं हूँ। तो आप मोनू मानेश्वर हैं? आप दलाल हो मोनू मानेश्वर के? आप मोनू मानेश्वर के दलाल हो? आप मोनू मानेश्वर के दलाल हो? एक स्वतंत्र पत्रकार हैं? नहीं हो। आपके मुंह पे थूक के निकल जा रहा है, कह रहा है पत्रकारों ने। बताइए, पत्रकार वहां की न्यूज नहीं दिखाएगा? अब हमला इस देश के लोकतंत्र में बार बार किया गया। हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई क्यों पैदा हुई? किसने की? बजरंग दल ने की, विश्व हिंदू परिषद ने की? क्यों की भाई? क्या इससे 9 साल से वहां पे यात्रा नहीं जा रही थी? हिंदुओं क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, निशाना इस देश की इंसानियत को बनाया जा रहा है, अल्लाह को बनाया जा रहा है, महाकाल को बनाया जा रहा है, इस देश की खूबसूरत को निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें शामिल होने वाले जो हैं वो मोनू मानेश्वर हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी हो, ना राम को मिटा पाएंगे, ना नारे तकबीर को मिटा पाएंगे। दूसरी बात ये कि जब यात्रा निकली उसकी परमिशन सबको थी,
सारे लोगों को परमिशन थी, पुलिस को भी थी, सबको भी थी, लेकिन ये दंगा जानबूझ के कराया गया है, प्लांट है, इसमें गृह मंत्री के आदेश हैं। गृह मंत्री तो शांति का काम होता है, गृह मंत्री का देश में शांति रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, इंटरनल सिक्योरिटी और सारी चीजें गृह मंत्री के अंडर में होती है, तो क्या लग रहा है क्यों फेल हो गए अमित शाह जी? ये माइक उठा के अपना उठा के अब तुम्हारे अंदर प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं है। मणिपुर नहीं देखा था क्या तुम? नहीं देखे थे मणिपुर क्या हुआ था? तुम शाहजी जवाब देने को तैयार है? क्या जवाब दिए भाई? स्मृति ने चिल्ला के चली गई, क्या जवाब दिए बेशर्मो? क्या जवाब दिए बताओ? मणिपुर में क्या जवाब दिए अमित शाह? बोलो, इतना तकलीफ कहा है अमित शाह जी से? तुमको लोगों से प्यार है कि अमित शाह से प्यार है? तुमको नू की जनता से प्यार है, हिंदू और जो मुसलमान भाई मेरे उससे प्यार है, इस देश की जनता से प्यार है, या किसी और से प्यार है? किससे प्यार है? इस देश से प्यार है। नहीं प्यार है, तुमको प्यार ही नहीं है, तुमको सिर्फ प्यार है इस देश में नफरत फैलाने वालों से। तुमको नमाज से दिक्कत, नमाज पढ़ेंगे, तुमको नमाज से दिक्कत, तुमको भगवान से दिक्कत, तुमको सारा काम। मैं पूछ रहा हूं एक बात बताओ, ये कौन सा तरीका तुम्हारे अंदर होता है? ये कोई भी यात्रा हमारी निकलेगी वो मस्जिद की बाहर जाएगी, कौन से गीता में लिखा है भाई पढ़ाओ? इस सारी यात्राएं लेके तुम मस्जिद जाओगे? हाँ, कौन से धर्म में? मैं कह रहा हूं कौन से धर्म में लिखा है कि आप यात्राएं लेके तलवार लेके मस्जिद के बाहर जाओगे? कौन सी उसमें मस्जिद होगी वहां से हिंदू नहीं गुजर सकता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप यही कह रहे हैं। अच्छा, आप बहुत सारी किताबें रखे हुए हैं, कुरान भी रखे हुए हैं, कुरान भी है। आप मस्जिद पे जाओगे, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपके घर पे जाऊं, आप जाट हो मैं पंडित हूँ, ठीक, दोनों आते हैं। अब मैं वहां पे जाके आपके घर पे जाके और वहां पे ईसाई धर्म का झंडा लगा दूं, आपको कैसा लगेगा? जिस तरह से नूह की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, कहां नहीं हुई है? हर जगह बिहार में किस चीज को जलाया गया? भगवान के घर, अल्लाह के घर को, अल्लाह के घर को जलाया गया। क्यों जलाया गया? नहीं जलाया गया। आपको क्या लग रहा है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है देश में? मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा कौन बचा है ये बता दो, कौन बचा है इस टाइम पर? इन गुंडे बताइए, लगातार वहां से धमकी दी जा रही है, लगातार वहां से प्लान किया जा रहा है, प्लान कराया जा रहा है, लगातार ये गुंडे एक्टिव हो गए हैं और सरकार का कुछ हुआ ही नहीं है। आपने देखा इनके यूट्यूबरों की भाषा? दोस्तों, जिनको अभी आप सुन रहे थे, इनका नाम है पंडित विजयराज शर्मा, और ये लगातार जब से मुसलमानों के ऊपर एक प्लान बना करके हमला करने की कोशिश की है, तब से लगातार आगाह कर रहे हैं कि देखो ऐसा मत करो, लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई घर जद में। एक तो ये बात इन्होंने बताई, और दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जब आपने वोट दिया था किसी एक ऐसे पार्टी को, किसी ऐसे नेता को हरियाणा के अंदर, तो आपको बताता चलूँ हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, और वहां पर जब आपने ऐसे लोगों को शासन में, प्रशासन में बिठाया है कि जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, तब आपको नहीं दिख रहा था कि आप जब वोट देने के लिए जा रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या माहौल गर्म हो सकता है, क्या आने वाले समाज को किस राह पर ये लोग लेके जाएंगे, तब नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जब ये दंगा बड़े पैमाने पर भड़का है, लोगों में गुस्से का माहौल है, जिस जिले के अंदर ये पूरा मामला हुआ, ये घटना घटित हुई, उसी जिले के लोग कह रहे हैं कि हम बरसों से, हमारे दादा परदादा, हिंदू समाज के लोगों की बात बता रहा हूँ, दादा परदादा हमारे यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक कभी हिंदू मुसलमान वाली कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन ये बजरंग दल के लोगों ने आकर के हमारे बीच में ऐसा फूट डालने का काम किया है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत भरने का काम किया। तो फिलहाल ये आज की थी जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।